पाकिस्तान में भीषण बाढ़ से अब तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि 14 जून को मानसून के मौसम की शुरुआत के बाद से पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण अलग अलग हादसों में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर गई है। वहीं आपको बता दें, विभिन्न घटनाओं में 1527 लोग घायल हुए, वहीं 9 लाख से अधिक घर आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह नष्ट हो गए। आम जनजीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं आपको बता दूं कि आम इंसान जो वहां पर खेती करता था, आम इंसान जो वहां दुकान लगाता था, अब उसके हाल बेहद बेहाल हैं। भारी बारिश के कारण सड़क और रेल यातायात बुरी तरह से बाधित है। कई सड़कें और रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए और कई सारे अन्य बह चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक बलूचिस्तान ने देश के बाकी हिस्सों के साथ भूमि यातायात खो दिया, जबकि भारी बारिश के कारण प्रांतीय राजधानी क्वेटा में उड़ान सेवा भी निलंबित कर दी गई। सोशल मीडिया ने बाढ़ पीड़ितों के भयानक नजारे दिखाए, जो पानी के तेज बहाव में बह गए। मवेशी, वाहन, मोटरबाइक अचानक बाढ़ में बह चुके हैं। चारों तरफ चीखों का सैलाब बह रहा है और आम आदमी और किसान जो हमेशा अपनी खेती अपने खेतों को देखकर मुस्कुराता था, वो आज समुद्र के समान आंसुओं से रो रहा है। आपको बता दें, इस कारण पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 5.5 अरब डॉलर के नुकसान की बात जो है यहाँ कही जा रही है। बाढ़ और उफान का दौर अभी भी जारी है, चारों ओर तूफान चल रहा है और इसी बीच भारत पाकिस्तान का ये मैच आज हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी टीम जो है पूरी ब्लैक पट्टी बांधकर जो है मैदान में उतरी है और वहां पर साथ में ये लोग मैच खेल रहे हैं और सभी पीड़ितों के प्रति सपोर्ट करने के लिए ये काली पट्टी बांधकर जो है सभी आज खेल रहे हैं। ये काफी बड़ी बात है, तो देखने वाली बात होगी आज के मैच में क्या कुछ होता है। बाढ़ के हालात हमने आपको बताए, आप कमेंट करके हमें बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। और ऐसे ही तमाम वीडियो सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।